एवरीवन, दिस इज देवाशीष मिश्र। सो आज हम लोग पिकनिक आए हुए हैं, देख सकते हो यहाँ रामचंडी आए हुए हैं और पूरी और कोणार्क वो सब आए हुए हैं। सो तुम लोग का जो क्वेश्चन था वो उसका आंसर मैं दे देता हूँ। कुछ स्टूडेंट पूछ रहे थे जो सेवेंथ सेमेस्टर एग्जाम अटेंड किए थे, सप्लीमेंटरी एग्जामिनेशन अटेंड किए थे, क्या वो स्टूडेंट सेवेंथ सेमेस्टर का जो रजिस्ट्रेशन हुआ है वो दे सकते हैं या नहीं। सो मेरा क्या सजेशन है मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। अगर तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम्हारा ये पेपर क्लियर हो जाएगा तो फिर रजिस्ट्रेशन करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अगर तुम कॉन्फिडेंट नहीं हो कि ये पेपर तुम्हारा बैक लग जाएगा तो फिर रजिस्ट्रेशन करना ज़रूरी है। ऐसा कुछ रूल रेगुलेशन है ही नहीं कि तुम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, ठीक है। सो 250 हर एक पेपर को 250 लगेगा। सो अगर तुम लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करते हो और बैक लग जाता है तो फिर तुम लोगों को फिर 1 ईयर वेट करना पड़ेगा। सो इसलिए मेरा सजेशन है कि तुम लोग रजिस्ट्रेशन कर दो, अगर क्लियर हो गया तो फिर गुड, अगर क्लियर नहीं हुआ तो आराम से तुम लोग सेवन सेमेस्टर लोग के साथ जो फरवरी 20 से स्टार्ट होगा सो तुम लोग एग्जामिनेशन दे सकते हो। सो ये मेरा सजेशन है। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, कुछ डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताना, न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ऐसे न्यू अपडेट के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।